पार्ट सेकंड मैं आपको बता रही हूँ जो मैंने आटा गूंदा था। तो रोटी कैसे बनाते हैं, चावलों की मैंने थोड़ा सा बैटर तवे पे डाल दिया और उसको हाथ की मदद से ऐसे फैला देंगे। और मैंने जो है ऑयल डाल दिया इर्द गिर्द, थोड़ा थोड़ा आप लोगों ने ऑयल डालते जाना है इस पर, थोड़ा थोड़ा ऑयल डालते जाएंगे और इसको जब तक नीचे से पूरी तरह पक ना जाए तब तक आप लोगों ने इसको पलटना नहीं है, ठीक है। ऐसे आप लोगों ने इसको पकने देना, ये बहुत ही लजीज बनती है चावलों की रोटी, आप साग के साथ मज़े से खा सकते हैं। अगर मतलब कोई सालन मौजूद ना हो घर में या साग वगैरह ना हो तो आप इसको अचार के साथ खा सकते हैं या केचप ऊपर लगा के रोल टाइप करके खा सकते हैं। देखें जब तक पूरी तरह पकेगा नहीं तब तक इसको नहीं पलटना, नीचे की साइड पूरी तरह पकनी चाहिए, ठीक है, ऐसे वरना टूटने का खतरा होता है। अब इसकी मैंने जो है साइड चेंज कर दी है, आप देख सकते हैं माशाल्लाह नीचे से बिल्कुल पक चुका है। अब हम जो है इसकी दूसरी साइड पका रहे हैं, आप लोगों ने इसको पलटना नहीं है, बिल्कुल हल्के हाथों से पलटना है क्योंकि ये जो है चावलों की जो रोटी बनती है वो मुश्किल से बनती है, इसीलिए आप लोगों ने एहतियात करनी है, होती तो जायके वाली लेकिन एहतियात भी ज़रूरी है, ठीक है। ऐसे आप लोगों ने इसको दबाते रहना है और पकाते रहना है। देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर आया है, आप बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें। इंशाल्लाह कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।